इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरी तुमसे पहली दफा बात हो रही है, मतलब कि तुम जी फैसल भाई, इतने पुराने स्टूडेंट हो, मुझे कुछ नहीं मालूम, जरा कुछ बताओ। मैं आपका पहले पहले आई थिंक 2019 में आई थिंक ये लॉन्च हुआ है, 2020 से मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैं सब्सक्राइब कर लिया था और मैं थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड ये बताता चलूँ। मैं पाकिस्तान में, मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और मैं पाकिस्तान में मल्टीनेट में एक कंपनी है उसमें एज अ टेक्निकल सपोर्ट में काम कर रहा था। 2007 में मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैं बैंक में मूव हो गया था। बैंक में मैंने 5 साल काम किया, लेकिन वो फिर मुझे समझ नहीं आया बैंक, वो आपको पता है किस रीजन की वजह से। समझ तो मैं बोलो, ये बोलो कि यार वो मेरा दिल मुतमईन नहीं था, ये जवाब। मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ फैसल भाई, अच्छी बात है। मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। मैं आई वाज अर्निंग 35,000, मैं आई थिंक 24 साल का था, 35,000 कमा रहा था, गाड़ी ले ली थी, बाइक ले ली थी, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि कुछ खाली खाली। उसमें बरकत अल्लाह ने नहीं रखी और वो सूद वाला सारा काम है। जहां तक इंसान अपने आप को सूद से बचा सकता है, पहले वो तो बचाए ना अपने आप को, राइट? बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे दो भाई भी बैंक में ही है, सीनियर पोजीशन पे, एक मिजान बैंक में भी। कोई मसला नहीं, दुआ करते रहो, अल्लाह खैर के मामला। लेकिन हाँ, तो वहां से फिर मैं रिजाइन करके यूएई आ गया था विजिट वीजा पे 2012 में, और फिर मैंने यहाँ पे विजिट वीजा पे जॉब ढूंढी थी, तो मुझे एतिसलात ने हायर किया था एज अ जनरल आईटी सपोर्ट के लिए। इनका अबू धाबी में हेड ऑफिस है, वहां पे मैं काम कर रहा था। तो 3 साल मैंने 2012 से लेके 2015 तक एज आईटी सपोर्ट काम किया, लेकिन उसके बाद आई फील के यार ये तो हर कोई कर रहा है, तो मुझे कुछ चेंज करना चाहिए। देन आई मूव टूवर्ड्स आईटी सिक्योरिटी, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद पढ़ना शुरू किया, जितना इस्तेतात थी पढ़ता था, ट्रेनिंग की कोशिश करता था। कुछ स्पॉन्सर मुझे कंपनी ने कर दिया था, ISO 27001 मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया था। लेकिन जो मुझे ब्रेक थ्रू मिला है अभी 2 साल पहले मिला है, कि एक सीनियर मैनेजर थे दुबई में, एक इनका ऑफिस है दुबई एतिसलात अकेडमी, वहां पे एक सीनियर मैनेजर रिजाइन करके गए, और तो इन लोगों ने मुझे कॉल कर और मुझे वो पोजीशन मिली। तो मैंने अभी रिसेंटली हमने ISO 27001 यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। अच्छा, मेरा रोल ये है कि सीनियर ऑफिसर आईटी सिक्योरिटी था, आईटी और स्पॉक भी था एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट का। एक्सटर्नल ऑडिटर जो आते थे और जो इंटरनल ऑडिट होते थे उनके स्पॉक भी था। तो आईएसओ को इम्प्लीमेंट कराना था इधर, इसके अलावा एक सैस करके एक स्टैंडर्ड है यूएस का, वो SAS 17 जी, बिल्कुल। इनका एक सिम मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है तसलात का, वो अजमान करके एक जगह है उधर है, तो वहां पे वो सैस इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसको कुछ उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, उसके कुछ पॉलिसी कंट्रोल्स वगैरह थे। कुछ भी नहीं है, वो ISO 27001 को लेके चलता है वो, बिल्कुल। थोड़ा ज्यादा उन्होंने उसको स्ट्रिक इस तरीके से किया था कि बिल्कुल आइसोलेट किया था, बिकॉज ऑफ सिम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वजह से जो डेटा है वो बहुत सिक्योर था, तो उन्होंने बिल्कुल ही आइसोलेट किया हुआ था। बेसिकली हमें हर चीज, अगर आपने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ बिजनेस करना हो जो कि यूएस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनके लिए आपको ना सैस की, या उसका पुराना नाम था SSA, अब उसका नया नाम SSAE 16 है। अच्छा, हां SSAE 16 आपको चाहिए होता है, राइट? काम भी मिल रहा था और मैं कर भी रहा था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल हियर इन यूएई काफी मुश्किल था सैलरी वाइज। तो मैं फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को निगोशिएट करना नहीं आता, ठीक है? फैसल भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं 2012 में सारी कश्तियां जला के आया था, तो मुझे उन्होंने निगोशिएट करने भी नहीं दिया, उन्हें पता था कि मैं रिजाइन करके आया हूँ बैंक शायद। तो देखो नहीं नहीं, असल में होता, देखो होता ये है कि अगर बंदा दिखाए ना कि यार मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकता हूँ, और तुम्हें मेरी जरूरत है, तो वो बंदा जो है ना खुद तुम्हें अप्रिशिएट करेगा कि यार। प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि यार हम किश्ती जला के आ गए, अब ये यही बंदा जो सामने बैठा ना यही मुझे सब कुछ देगा, ठीक है? तो वो अगर तुमने उस पर ईमान रख लिया ना, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट करता रहेगा, ठीक है? बिल्कुल, ये एक लीडरशिप लेसन है। देखो मैं इसी तरह दाढ़ी टोपी के साथ, मैंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, और मैंने कभी अपने प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया,
तो वो जब बंदा देखते हैं कि यार ये इतना डेरिंग आदमी है, ये अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो खुद ही पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं यार काम करवाओ से, इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसको आप ना आगे पीछे नहीं कर सकते। तो अगर मैं बोलूंगा यार मुझे $50,000 महीना चाहिए, बोलेंगे हाँ ठीक है $50,000 बनती है आप दे दो उसको, मुझे $60,000 महीना चाहिए, मैं बोलता हूँ हाँ $60,000 महीना चाहिए ठीक है, तो वो आपको मिलेगी। सो बट द पॉइंट इज के यू हैव टू बी एट स्टेज। हाँ अगर मैं बैंकिंग में काम कर रहा था इससे ज्यादा ले लेता, बैंकिंग में तो बहुत अच्छी ऑफर्स आती हैं, लेकिन बात वही है कि हलाल और हराम का और ये सब चीजों का चक्कर होता है, तो इसलिए मुझे बैंक से भी आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद माय करियर। देखो बात ये है कि ना तुम अभी भी, मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है तुम्हारे पास, और मैंने तुम्हारा देखा, तुम जो है ना अभी जो कॉट्स की जो लैब्स आ रही हैं सारी, पीसीआर डीएसएस का बहुत काम है, पीसीआर डीएसएस में तुम्हें काम आता है ठीक है, पीसीआर डीएसएस की जो पूरी लीड इम्प्लीमेंटेशन है सब कुछ है, फिर से कंट्रोल्स, तो सिक्योरिटी ऑफिसर से तुम सीसो बन सकते हो ठीक है, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर से इंशाल्लाह डायरेक्टर बन सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। फैसल भाई आपको एक मिनट रोकूंगा, आपकी उस बात को इंडोर्स करूंगा कि वो निगोशिएट के हवाले से, तो अभी मैंने रिसेंटली थोड़ी हिम्मत करके अपने वीपी से एक मैंने इस पे निगोशिएट किया था, तो उन्होंने मुझे विद इन 2 days एचआर से मैनेजर आईटी सिक्योरिटी का लेटर निकलवा दिया जो मेरे पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है फैसल भाई कि मैं उनसे ये कहता था कि देखिए लेटर मेरी फैमिली है माशाल्लाह, यहाँ अम्मी अभी मेरे पास यहाँ आई हुई है, मैं बोला मैं इस लेटर के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता, सैलरी वॉज क्वाइट लो, मार्केट वैल्यू ये नहीं है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। तो उसकी बेसिस पे फिर ये था कि मैं इधर उधर देखने लगा, मुझे 2-3 जगह से कॉल आई जिसमें एक बैंक भी था यहाँ पे, रैक बैंक करके एक बैंक था, लेकिन वो तो ऑब्वियसली नहीं था ऑप्शन में। एक और कंपनी थी, एनर्जी कंपनी थी यहाँ पे, लेकिन वो मैं उसको क्रैक नहीं कर सका इंटरव्यू। फिर ये कंपनी एटू करके अबूधाबी में, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हो गया आज, मतलब कुछ इसकी फॉर्मेलिटीज थी, आज गया हुआ था, दुबई में रहता हूँ, अबूधाबी गया हुआ था, मेडिकल टेस्ट वगैरह और सारी चीजें, तो ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पाकिस्तानियों को बड़ा वो रोक देते हैं इन पोजिशन पे आने के लिए, यहाँ पे वो ज्यादातर वेस्टर्न और इंडियन से। हम बहुत बड़ा मसला है, मुझे कॉल्स आती हैं वहां से और वो $1,00,000 देते हैं आपको महीने के ठीक है, लेकिन बात वही है कि हमारे पास जितने फाउंडर्स हैं सब ब्रिटिश और कैनेडियन पाकिस्तानी हैं ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं आपको कि भाई आप आ जाएं आप काम कर लें। यहाँ पर एक मिडल ईस्ट के अंदर एक चक्कर है कि वो जो है ना आपको जितना उनको मुसलमान होना चाहिए था वो इतने मुसलमान नहीं है, कि वो भी जो है ना आपको देखते हैं कि आपका पासपोर्ट क्या है ठीक है। मुसलमानों का कभी मसला हल नहीं होगा जब तक वो ये नहीं बोलेंगे कि हम उम्मतुल वाहिद है, नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई उम्मतुल वाहिद है, तुम एक उम्मत हो ठीक है, लेकिन वो जो है ना वो अमराती है, ये सऊदी है, सऊदी सबके साथ करते हैं, अमराती सबके साथ करेंगे, सऊदी भी होगा तो उसके साथ भी करेंगे, मतलब ये एक रेसिज्म है बहुत बड़ा, और जब तक ये रहेगा ना तो उम्मत डिवाइडेड रहेगी। देखो आज हम फलस्तीन का नारा मार रहे हैं तो बोल रहे हैं फलस्तीन फलस्तीन, फलस्तीन नहीं है भाई, वो मुसलमान है ठीक है, कश्मीर है तो कम बोलते हैं कश्मीर। अगर हम उनकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करेंगे ना तो हम कभी भी मसला हल नहीं कर सकते, ना हमारे उलमा कराम इस पे बात करते हैं, ना हमारे जो वो लीडर्स की तो खैर उनकी स्पाइन ही नहीं है, मतलब के उनके तो वही मसला ही नहीं है, और उलमा कराम जो है उनकी भी स्पाइन खत्म हो गई, वो झुक गए राइट। एनीवे मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, देखो तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो, तुम्हारे पास सारा अल्लाह ताला ने तुम्हें कहाँ सपोर्ट से तुम घुसे और कहाँ से कहाँ चले गए। मेरा मशवरा होगा तुमको कि तुम कॉर्ड्स को अच्छी तरीके से सारा पढ़ो और तुम्हें आईटी गवर्नेंस आईटी इम्प्लीमेंटेशन वो सब चीजें तो अल्लाह ने करवा दी ठीक है। अब अगर तुम्हें इसमें और आगे जाना है तो इसके अंदर जो टेक्निकल एरियाज हैं, जैसे मैंने बताया ना कि पीसीआई डीएसएस एक बड़ा एरिया है, ISO 27001 की इम्प्लीमेंटेशन तुमने कर ली ठीक है, ISO 20000 की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाओ, आईटेल के जो होते हैं ठीक है, ये भी मैं इसमें कवर करूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है ना वो है कि अगर तुम किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारी उसमें ना सीसो में जाने में अगर तुमने अपने आप को, तुम्हारे पास सारी टेक्निकल केपेबिलिटीज आ गई तो मैनेजरियल केपेबिलिटीज तुम्हारे पास आ चुकी हैं राइट, तो अगर तुम उसके अंदर ले आते हो अपने अंदर वो टेक्निकल केपेबिलिटीज, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया, चाहे वो वेब हो, ऐप हो, नेटवर्क हो, मोबाइल फोरेंसिक्स हो, थ्रेट हंटिंग हो, डिजिटल फोरेंसिक्स हो, वो तमाम जो चीज़ें हैं अगर तुम्हारी वो सारी कवर होती हैं तो तुम बड़े आराम से अपने आप को ना पेनिट्रेट कर सकते हो। दी अदर थिंग इज़ कि स्काडा इंडस्ट्री की तरफ भी देखो, स्काडा इंडस्ट्री में बहुत अच्छी वेल पेइंग जॉब्स होती हैं
राइट जी, यहाँ पे कंपनी इनॉक वहां से भी एक कॉल थी, लेकिन वही मैं इंटरव्यू इसलिए क्रैक नहीं कर पाया कि वो स्काडा इंडस्ट्री पे, वो ओटी ऑपरेशन जो उनके होते हैं, ओटी ऑपरेशंस की हमने सब चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन उसकी जो लैब्स है वो गनीमा के अंदर आएंगी, तो उसमें एचएमआई पीएलसी इनके पूरे नेटवर्क, वो पूरे एक स्काडा के पूरा नेटवर्क बना हुआ जिसको तुम मैनेज करोगे, राइट। अभी तुम्हारे पास ना, अभी हमारे पास जुलाई में 31 जुलाई को जो चीजें रिलीज हो रही हैं गनीमा के अंदर, गनीमा लैब्स के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो बेसिकली नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट है, पहले वर्नेबिलिटी असेसमेंट फेज है, फिर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, राइट। ये तीन एरियाज कवर किए हैं, और फिर बग बाउंटी हंटिंग। उसके बाद जो अलग लैब्स हैं वो स्काडा की बहुत अच्छी लैब्स आ रही हैं, उनमें एक साहब है पाकिस्तान में, वो ये काफ़ी अच्छे से पढ़ाता आ रहा है, हमने उसको लिया है, और उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा उसके दूसरी चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। तो तुम्हें HMI PLC की ना प्रोग्रामिंग तक उसमें आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर्स प्रोग्रामिंग। हाँ, कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग भी, और कंट्रोलर्स को एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो भी, वो तमाम चीज़ें जो है ना, एक समझो एक पूरा एक ऑयल, एक ना ऑयल रिफाइनरी का मुख्तलिफ नेटवर्क्स बने हुए होंगे, ठीक है। तो तुम्हें उसको सिक्योर कैसे करना है, उसको ब्रेक कैसे करना है, उसमें मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होंगे, मॉडबस और ये वो, ठीक है। सो इट्स अ फिनोमिनल नेटवर्क, इट्स अ रियल नेटवर्क जो हमने बनाया है। द डिफरेंस इज के वो नेटवर्क हमारा क्लाउड में होस्टेड है, जिस तरह सब जगहों के होस्टेड होते हैं, और वहीं से मैनेज कर रहे हैं उसको, राइट। तो दुनिया में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस तरह का दे रहा है कि आपको रियल सिमुलेशन है, क्योंकि हैक द बॉक्स जो है वो सिर्फ आपको मशीन दे रहे थे कि ये मशीन हैक करें। अगर हम आपको पूरा नेटवर्क देंगे, पूरा नेटवर्क है, आप यहाँ से यहाँ घुसेंगे, अपना लेटरली जाएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जाएंगे, वर्टिकली जाएंगे, आप उसके अपने आप को पूरा सिस्टम में जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह तुम्हारे पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। हाउ ओल्ड आर यू, कितनी क्या एज है तुम्हारी? 34 का हो गया, 35 जी इंशाल्लाह हो जाऊंगा इस साल। हाँ, और तुमने लास्ट क्वालिफिकेशन क्या की थी? मास्टर्स किया था 2009 में। 2009 में ना, तो देखो तुम अप्लाई करो, तुम अप्लाई करो इंडस्ट्रियल PhD के लिए, अगर तुम्हें मिलता है साइबर सिक्योरिटी में जर्मनी के अंदर। okay. अगर तुम जाते okay. हो उसके साथ, तो तुम जॉब के साथ जाओगे। ओके, इंशाल्लाह। तो मैं तुम्हारी मदद ये कर सकता हूँ कि जब तुम स्टेटमेंट लिखोगे तो मैं तुम्हारी स्टेटमेंट को अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मिलता है इंशाल्लाह, तो तुम्हें फायदे होगी, तो वहाँ जर्मनी में तुम जॉब के साथ जाओगे, वहाँ पर इस वक्त जो है ना, जो क्या नाम है, जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वहाँ पर अभी, जो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, IoT, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, IoT की साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, और उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा साइबर इंजीनियर्स की वगैरह सब चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। उनकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनना शुरू हो गई हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ तुम्हें फ़ौरन से इंडस्ट्रियल PhD मिल जाएगा, और तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि तुम काम भी कर सको और डायरेक्टली जा सको, लेकिन तुम्हें अपने रेड हैट के ना स्किल्स अच्छी तरह इम्प्रूव करने होंगे। जी वो मुझे, जी आप सही कह रहे हो, मुझे लगता है मैं टेक्निकली थोड़ा वीक हूँ, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में तो मैंने काम कर लिया कि पॉलिसी, लेकिन थोड़े टेक्निकल स्किल्स थोड़े वीक है मेरे। और सिसऑप्स में मैंने यही करवाया था कि बेसिकली मकसद यही था कि जो लड़का था वो जो है ना हमारा सबसे पुराना स्टूडेंट था, मैं तुम्हें शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है। और ये लड़का जो था बेसिकली ये अमेरिका में, ये नजर आ रही है मेरे ब्राउजर, नजर आ रहा है तुमको? जी 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 जी। अच्छा फैसल भाई, दूसरी एक और चीज मैं ऐड करता चलो, खैर मेरा काफी टाइम जाया भी हुआ मुझे लगता है, मैं जो 35 की एज में आके चीजें कर पा रहा हूँ, वो अगर खैर हमें ये प्लेटफॉर्म जल्दी मिल जाता तो अचीव करती, क्योंकि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कंपनीज में बहुत कम है, लीस्ट कंसर्न टॉपिक है ये कंपनी। मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। देखो ये सिसऑप्स का जो ट्रैक है ना, अगर तुम इसको करते हो बेसिकली, तो इसमें तुम्हें ना लिनक्स के फंडामेंटल से लेकर यूजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सर्वर ऐप से लेकर कोर एडमिन फीचर्स, ये तमाम चीजें हैं इसके अंदर, इवन की ऐसी लिनक्स भी है। तो अगर तुम क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना हो, तुमने डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना हो, तुम्हें प्राइवेट क्लाउड हो, पब्लिक क्लाउड हो, GCP के ऊपर हो, गूगल का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, या अमेजोन का हो, या माइक्रोसॉफ्ट अजोर का हो, या OVH का हो, जितने बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, उन सब का तुम कर सकते हो, मतलब इसके अंदर जो है ना सब चीजें। तो अगर तुमने ये कर लिया तो यू विल बी एट अ लेवल के तुम्हारे जो सिक्योरिटी के मैनेजेरियल स्किल्स हैं, और अगर तुम इसको इसके साथ इन्फ्यूज करते हो, तो तुम्हारा जो जो टेक्निकल जो बैकग्राउंड जो उसमें मिसिंग पीस है ना पजल का,
तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे लिए वीपी बनना, जैसे ये लड़का वीपी बन गया साइबर सिक्योरिटी, ये भी सपोर्ट में था। देखो सपोर्ट में बहुत जॉब्स हैं, सपोर्ट के अंदर तुम्हें जॉब्स मिलेंगी आईटी सपोर्ट में, टेक सपोर्ट में, ये कम रहने से ही आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उसके साथ कोर्स को पढ़ते हो तो आप आगे जा सकते हो, डेटा साइंस को पढ़ते हो उसमें आगे जा सकते हो, क्योंकि इन सबकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब जो तुमने मुझसे बोला कि भाई यहाँ पर जॉब्स हैं, जरा दोबारा से सवाल पूछो, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। फैसल भाई देखिए, सेल्फ लर्नर है मोस्टली जो साइबर सिक्योरिटी में लोग हैं, मुझे ये लगता है वो सेल्फ लर्नर, बिकॉज कंपनीज में ये सबसे लीस्ट कंसर्न टॉपिक होता है। बजट उनके पास होता नहीं, वो आईटी बजट में से कहते हैं कंपनसेट करो, बजट वो रखते नहीं है। सिक्योरिटी को वो बिल्कुल, मैं जितनी भी मीटिंग्स में अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठा उनको यही कन्विंस करता रहा कि आप बजट इसका एक अलग से अप्रूव करें, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट होगा, टूल्स चाहिए होंगे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि साल भर तक हमारे पास लॉग मॉनिटरिंग सेम ही नहीं था, वो लेके इन्होंने रखा हुआ था मुझसे पहले, ज्वाइनिंग से पहले, मैं जब 2 साल पहले ज्वाइन किया और कोई साहब ने वो था वहाँ पे और सिम चलाया भी नहीं, और कई लाख उसके दिरहम वो पे करते रहे और वो सिम चलता भी नहीं था। जब मैं मैकेफे का सिम था वो, और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा भाई ये तो सिम ऑब्सोलीट हो गया और ये तो हमें दूसरा सिम देखना पड़े। कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस का, तुमने बिल्कुल सही बताया, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में ये हाल नहीं है, मिडल ईस्ट के अंदर जो मैच्योर कंपनीज हैं उनमें ये हाल नहीं है, क्योंकि वो उसको सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि हैकिंग उनके उनके जो नेटवर्क्स हैं बहुत ज़्यादा ब्रीच हो रहे हैं, राइट। लेकिन तुम्हें बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि वहाँ एक बंदा आता है और वो बंदा क्या करता है, इनकी मिसाल उसकी तरह है, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है ना, और वो टीवी में आके भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उधर जाके भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू यूनिफाइंग द उम्मा अंडर द बैनर ऑफ इस्लाम, अंडर द बैनर ऑफ सुन्ना, वो नहीं करते। जब उम्मत को जोड़ना हो, ठीक है, तो बोलते हैं नहीं ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है, ये बलूची है, वहां सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। अगर वो इसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार उम्मतुल वाहिदा, एक उम्मत कैसे जोड़ सकती है और हमें किस तरह से करना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि भाई मुसलमान वो जो झूठ नहीं बोलता, मुसलमान वो जो धोखा नहीं देता, ठीक है, मुसलमान वो जो अपने पड़ोसी का ख्याल करता है। तो हम क्या करते हैं, मुसलमान पाकिस्तान में ये उलमाए कराम ने कभी बोला कि अगर कोई लीडर झूठ बोल रहा है तो उसको जाके पकड़ो, नहीं बोलते। अगर कोई क्या नाम है धोखा दे रहा है तो उसको जाके मना करो, ठीक है, नहीं बोलेंगे, खामोश बैठे रहेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, वो बोलेंगे यार साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, सामान ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब वो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने आपको अस्तताद दी, अल्लाह ताला ने आपको हदीस कुरान सब कुछ दिया, ठीक है, मगर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, आपने इसको अपने पास अपने दिलों में रखा है, तो उनके पास सीम है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे उलमा के पास इल्म है, ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं है जब तक माशरे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। तो होता इससे नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग जो है ना, वो सीनियर मैनेजमेंट कहती है यार सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पैसा लगाया, देखो लाखों दिरहम दे रहे थे वो लोग, राइट, इसी पे कर रहे थे, पड़े पड़े ऑब्सोलीट हो गया। तो और फैसल भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, और जब मैंने उनको बताया कि ये ऑब्सोलीट हो गया, इतने दिरहम आप लोगों ने पे कर दिए इतने सालों में, तो उन्होंने अगला बजट रोक दिया। मैंने कहा सही, उन्होंने सही किया। तो देखो यही मिसाल जो है ना हमारे उलमा कराम की, जब वो हक बात नहीं करते तो माशरे में आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आता है जब लोगों के ऊपर ना मुश्किलात होती चली जाती हैं। तुम सब पाकिस्तान से आए हो ना यहाँ पर बैठ के, क्यों आए, रोजगार की तलाश में आए ना भाई, रोजगार की तलाश में आए ना, तुम्हें रोजगार ने बाहर निकाला, ठीक है। लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क है, कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, ना पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, ना इमारात इस्लामी मुल्क है, ना सऊदी है, इमारात इस्लामी मुल्क है क्या, अजान होती है लाउड स्पीकर पे, लेकिन जब जहाँ अजान हो रही थी उसके साथ दो कदम पे जाके तुम्हें शराब खाना नजर नहीं आता। बात कहने का मकसद ये है ना कि ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है, तो जब वो चीज नहीं होती ना तो उस इम्प्लीमेंटेशन का दिल से ना वो चीज निकल जाती है, तो तुम्हें फिर उसके अंदर फिर वापस आकर, अगर बंदा वापस आके साइबर सिक्योरिटी की बात करता है तो बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह जब वापस में माशरे में आके हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार मतलब कि हम किसकी बात सुने, क्या करें, दिस इज द फंडामेंटल इश्यू। देखो ये जो है ना, ये जो चीजें सारी ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एनीवे देखो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम अपने हिसाब से जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम लगे रहो, बोलो भाई ये कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगले ने ये गलती की थी, मुझसे गलती नहीं होगी, द फैक्ट कि हमने ऑडिट भी नहीं किया, या अगर हमने ऑडिट किया और उसमें भी चीजें आ रही थी सामने
और पकड़ी नहीं गई, दैट्स अ फंडामेंटल इशू। ये चीज तुम्हें हर जगह मिलेगी, तुम अमेरिका में जाओगे, तुम नॉर्थ अमेरिका में जाओगे काम करने, यूरोप में जाओगे, तुम्हें सब जगह मिलेगा। मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए कि काम जो है ना वो मतलब ये वो सब्जेक्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें जॉब्स ही जॉब्स भरी पड़ी हैं। तुम तो मुझे मतलब कि हमने 2018 के जून में शुरू किया, मैं सबको बोलता रहा, मैं पाकिस्तानी हुकूमत के पास गया, बड़ी बड़ी हुकूमतों के पास गया, मतलब कि ना, लेकिन उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव, उनको घरों पर खाना खिलाया, उनके घरों में गया, नहीं सुनते लोग। क्योंकि वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने बताया कि जब खिलाफत बनाई तो उन्होंने ऐसे आदमी को अपनी जगह उस जगह बिठाया कि जो उसके काम को जानता था। यहाँ अगर कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर है तो उसको कुछ नहीं मालूम, यहाँ अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन का वजीर है तो उसको कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है? तो वो क्या चीज लीड करेगा? वो खालिद बिन, उन्होंने अब्दुलरहमान बिन औफ जो सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन थे, उन्होंने जाके उनको सिपा सलार तो नहीं बना दिया ना खालिद बिन वलीद की जगह? खालिद बिन वलीद के पास एक्सपीरियंस था लड़ाई झगड़े का, जंग का, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को सिपा सलार बनाया, अब्दुलरहमान बिन औफ को नहीं बनाया। उन्होंने अब्दुलरहमान बिन औफ को बोला कि यार तुम जो सारे फाइनेंसेस संभालो। तो अगर तुम खुलफा राशिदीन की जिंदगी पढ़ो तो उसमें उन्होंने सारी इंप्लीमेंटेशन की। तो जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो तुमने उस बंदे को अपनी जगह बिठाना है या उस बंदे को अपने साथ बिठाना है कि जिसकी डोमेन में जिसका काम आता हो। अगर तुमने ये काम सही सेलेक्ट कर लिया ना, तुम्हारा सीसो का लेसन दे रहा हूँ तुमको। मैंने जिंदगी में जितने सीसो के काम किए ना, सीसो एज ए सीईओ, वो तमाम चीजें कुरान हदीस से निकाल के की, और मैं कभी भी नुकसान में नहीं गया, बल्कि मुझे इम्प्लीमेंटेशन करते करते मैं लाख लाख डॉलर का बोनस भी उठा के आया, इससे भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दिया। तो लेकिन कहने का मकसद ये था कि इट इज इम्पोर्टेंट कि उसका हलाल तैयब तरीका क्या है और किस तरह से लोगों को इज्जत दो, सबसे पहले उनकी इज्जत करो, उनको इज्जत दो, ठीक है? और उनसे तरीके से आराम से बात करो, कोई जबान खराब नहीं होनी चाहिए, गाली ये वो सब गलत है, ठीक है ना? जो फाश लहू अल्फाज इस्तेमाल करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकमीश फरमाया, वो हमें से नहीं, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू बी क्लीन विथ योर टंग, बिकॉज हम जबान से अल्लाह का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। द ओनली टाइम दैट वी कैन से समथिंग बैड इज व्हेन समवन सेज, हम उसी सूरत में किसी को बुरा भला कह सकते हैं अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बुरा भला कहे। उसका भी पूरा वाकया अबू बकर सिद्दीक के सामने एक आदमी ने कहा, तो अबू बकर सिद्दीक ने उसको ना बुरी बुरी गालियां दी, ठीक है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सही किया, लेकिन ये इसी सूरत में इजाजत है और किसी सूरत में नहीं है, ठीक है? एनीवे, मतलब कि उसमें हमें करना भी नहीं चाहिए, हम मतलब कि मुसलमान हैं, हमें बहुत सारे दूसरे काम करने हैं, ठीक है? तो मेरा मशवरा होगा कि तुम ना कॉर्ड्स और सिसॉप्स को अच्छी तरह बैठ के पढ़ो, तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन सब चीज़ों का आएगा, तुम्हारा टेक्निकल एरिया कवर अप हो जाएगा। और अब तुम जो है ना इंडस्ट्रियल पीएचडी की तरफ जाओ, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस हो गया, और अगर तुम्हें इंडस्ट्रियल पीएचडी का अच्छा टॉपिक मिल जाता है, टॉपिक सोचो, मैं तुम्हें कुछ टॉपिक्स का आइडियाज देता हूँ। जैसे मैंने वो लड़का जा रहा था जापान, उसका भरा है मैंने, ठीक है? उसके लिए मैंने असिस्ट किया उसको, मैंने लोगों को कहा भी कि भाई जिसको चाहिए मुझसे पूछे, बात करे। आज भी किसी ने कहा कि जर्मनी जाना है उसको, इटली, तो इटली में वो अप्लाई कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, तुम ड्राफ्ट करो, लिखो, मैं तुम्हारी आगे असिस्टेंस करूंगा, तो तुम उसको लिखो, यू कैन गेट इनटू समथिंग लाइक दैट, और अपना सारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेकर आओ कि भाई ये सारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मैंने काम इसलिए किया कि अब मैं इसको हार्नेस करना चाहता हूँ एक अच्छे रिसर्च टॉपिक के ऊपर, और उस तरफ आना चाहता हूँ। तुम्हें ना मतलब के बड़े आराम से बाहर ममालिक में, जर्मनी में हो गया, इटली हो गया, ये जो है ना यूरोप की तरफ बड़ी अच्छी तुम्हें ना जॉब्स मिल सकती हैं। एक मेरा स्टूडेंट है, उसके लिए दुआ करना, उसका नाम नासिर है, नासिर है उसका नाम, वो बहुत जल्दी हार मांग लेते हैं। वो ना डॉक्टर अब्दुलसलाम की कोई लैब थी, डॉक्टर अब्दुलसलाम फिजिक्स लैब, जहाँ पर वो काम करता था इटली में, अब वो फिजिक्स में उसने पढ़ी हुई है, अब वो सारा साइबर सिक्योरिटी का मैंने उसको पढ़ाया, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है ना वो हार मांग लेता है, राइट? उसको जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। सो मैंने अल्लाह रहम करे, हाँ, उसको मैंने समझाया कि भाई तबीयत में जो है ना ठहराव लेकर आओ, उसको वो है पठान, वो ठीक है, पठान के साथ एक मसला है कि उसको गुस्सा जल्दी आता है, जो कमजोर पठान होगा उसको गुस्सा जल्दी आएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन जो सही मानों में बिल्कुल हिकमत वाला पठान होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा। सब मैं भी यूसुफ ज़ई हूँ, लेकिन ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, दादा जी लास्ट इंशाल्लाह बेहतर क्यों होगा। यही है, अगर कभी उनसे मेरी बात हुई या वैसे ही ओवरऑल मैसेज यही है कि आप हर किसी को सक्सेस तो दिख रही होगी, मेरी भी बहुत सारे लोग ये तो देखेंगे कि नई जॉब हो गई है और मैं यूएई में हूँ, लेकिन जो स्ट्रगल मेरी रही है पीछे, जो महीने मैंने यहाँ आके जिस गर्मी में जॉब जैसे ढूंढी है और जिस तरीके से मुझे मेरे सामने सीवीज मेरी फाड़ी गई हैं,
काउंटर पे खड़े होके बोला अच्छा दीजिए सीवी, और फिर उसको उसी वक्त फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। ये मैं आपको लिटरली यहाँ का बता रहा हूँ। बहुत तकबर है जिसने किया है तुम्हारे साथ, देखो अल्लाह ताला देख रहा होता है ना। और सर वो कोई और नहीं, रिसेप्शन पे नॉर्मल से बैठे हुए लोग हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी का या जिन्हें आईटी का एक अल्फाज नहीं पता होता, वो लोग देख के सीवी को फाड़ देते सिर्फ इस बेसिस पे। ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ कि बात असल में रिकॉर्ड हो रही है, वरना मैं तुम्हें अपने खानदान की एग्जाम्पल देता। लेकिन देखो बात यही है कि इंसान जो है ना, वो तो इज़ जुमन तशा वो तो जिल्लू मन तशा, राइट। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, अल्लाह ताला जिल्लत देने वाला है। जिसको अल्लाह ताला इज्जत देना चाहे, मैं अपने बच्चे को रोजाना बोलता हूँ कि बेटा तुमने अल्लाह को खुश करना है। वो बोलता है यार बाबा मामा जो है ना मेरे से गलती हो गई, मामा खुश नहीं है। मैंने कहा देखो तुम ना अल्लाह को राजी करो, तुम अल्लाह को राजी करोगे तो मामा खुश रहेंगी, चाहे मामा नाराज हों कुछ भी हों, लेकिन अल्लाह उनको खुश कर देगा। और अगर तुम अल्लाह को नाराज करोगे तो भाई तो ना तुमसे कोई भी खुश नहीं रहेगा। तो उसने कहा भाई मुझसे अल्लाह कैसे बाबा राजी होगा। तो बच्चा था, मैं उसको समझा रहा हूँ, अपने दोनों बच्चों को एक साथ समझा रहा हूँ। मैंने बोला देखो भाई हमने हर वो काम करना है जिससे अल्लाह खुश होता है। अल्लाह खुश होता है पढ़ने लिखने से, अल्लाह खुश होता है सुबह सुबह उठ के सारी नमाजें आप टाइम पे पढ़ें अपनी, अल्लाह खुश होता है सच बोलने से, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सच बोलना है। अल्लाह खुश होता है किसी को डिसीव नहीं करना, धोखा नहीं देना, डोंट चीट एनीवन, ठीक है। ठीक है कि तुमने किसी को बोला अच्छा, कि ये लो और चीज ले लो, तो डोंट डू दिस। सॉरी कैसे भाई आपको रोक रहा हूँ, ये धोखे वाली बात आई, तो ये टेंपर डॉक्यूमेंट की सूरत में क्या करना चाहिए? टेंपर, व्हाट डज टेंपर डॉक्यूमेंट मींस? लाइक अगर आपसे आपके सीनियर कहते हैं कि आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए या इंटरनल ऑडिट के लिए जो के मौजूद ही नहीं है, तो मैंने नॉर्मली तो मैं ना कर देता हूँ। देखो ये अपने आपको सेफ गार्ड करने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर तुमने किया और तुम उससे अगर वो तुमसे बोल रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ऑडिट पास करने के लिए तुम ये कर दो, तुम उसको बोले यार देखो मैं ये बना लेता हूँ, लेकिन इसके ऊपर ना तुम उसकी पूरी ऑडिट ट्रेल बना दो कि आई क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट एज पर जॉन डो ने मुझे कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट बना के दो, ठीक है ना, आई क्रिएटेड दिस डॉक्यूमेंट, और बस इतना कर दो। और उसके आगे ये मत बोलो, ये मत लिखो कि इवन दो द कंट्रोल डिडंट एग्जिस्टेड और फलाना फलाना फलाना, नहीं ऐसा नहीं लिखो। जिसने तुमसे बोला है ना चीटिंग करने के लिए यार टेंपर डॉक्यूमेंट बना दो, वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा भी नहीं होगा कि मतलब कि ना डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली मत लिखो कि भाई ये कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं, उनका नुकसान ये होता है, वो बोलते हैं कि यार ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती तुम बना लो, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब वो चीज पकड़ी जाती है, और झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, बिल्कुल पकड़ा जाएगा ना, तो वो फिर ना वो जब चीज वो यहाँ पर एक लफ्ज कहते हैं ना, when the shit hits the fan it spreads all over। यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी टर्म बोली जाती है कि जब ना जो गलासत है जब वो पंखे पे लगती है तो पंखा चल रहा होता है ना, flies all over, हर जगह जाती है। सो बिफोर दैट happens, ठीक है ना, मतलब कि मैं बोलता हूँ कि भाई आई डोंट वॉन्ट टू इवन डील विद द शिट। मैंने कहा, मैं कहता हूँ मैं इसको डील ही नहीं करना चाहता, मुझे 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 गलत काम में डील नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू डील विद इट, ठीक है। सो तुम्हारे पास हमेशा एक बैकअप एलिबाय होना चाहिए। एलिबाय कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि जिसको तुम अपने साथ रखो, बताओ कि यार देखो ये रिक्वेस्ट आई थी और ये चीज मेरे ख्याल से सही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट राइट। और तुम उसको कोशिश करो कि देखो यार दिस इज नॉट राइट, आई एम टेलिंग यू फॉर माई ओन एक्सपीरियंस, इफ थिंग्स गो साउथ, मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई अगर चीज गई ना नीचे की तरफ, गई साउथ का मतलब होता है नीचे की तरफ, ठीक है, इफ इट गोस साउथ देन यू नो समवन नेक विल बी ऑन द लाइन। एंड साइबर सिक्योरिटी में हमेशा ये बात याद रखना, एवरीथिंग नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। तो बोलो डॉक्यूमेंट बना लिए, लिख लो साइन तुम्हारा यार, तुमने बनवाया था, मैं तो मैं ईमेल पे उनसे, इवन जब वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप मुझे ईमेल सेंड कर दें आपको जो भी चाहिए। हाँ, तो अपने, अपने आपको सेफ गार्ड करो, बोलो भाई अचार आए बोले भाई बोला ये तो उसने बोला था मैंने कर दिया खत्म, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पूरा पूरा मिडिल ईस्ट भरा पड़ा हुआ अपॉर्चुनिटीज का, पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब कि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स, जॉब्स ज्यादा हैं बंदे नहीं, ठीक है। लेकिन बात वही है कि आपको ना तरीके से अपने आप को इक्विप करना है कि अगले जब आप अगले के पास जाओ तो आप बोलो मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, तमाम चीजें आती हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती या ये नहीं आता या क्लाउड मैनेज करना नहीं आता, आई नो एवरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है।
when you go at that level to phir log tumhe khud la ke bithayenge inshallah theek hai inshallah ha to main baki main tumhare liye kahunga ki tum dekho apne liye phd dekho jald se jald aur zarur tumhare liye married ho tum right ji ji mashallah beti hai meri mashallah mashallah tumhari phir bhi bahut achhi opportunity hai tumhari you can absolutely go through it baki mujhe maaf karna mere paas time bahut kam hota hai maine tumne mujhe message kiya kafi dafa koi baat nahi meri behan bhi canada mein hoti hai टोरंटो में मैं अक्सर वो अक्सर मुझसे कहती हैं कि यहाँ जो एक उनकी यूनिवर्सिटी में उसका नाम भूल रहा हूँ उसने अभी साइंस के साथ एक एक साइबर सिक्योरिटी का कोई प्रोग्राम शुरू किया है नाम मेरे जहन से निकल रहा है खैर तो वो भी एक राइसन ने तो वो एक स्टूडेंट के लिए स्टेटमेंट लिखी थी उसको भी वहां से एडमिशन मिल गया वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है बिल्कुल हाँ. तो वो मुझसे कह रही थी लेकिन वो फिर वो तो आई थिंक सिर्फ कैनेडियन इमिग्रेशन इमिग्रेंट के लिए है वो हाँ, मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर आया हुआ है कैनेडियन इमिग्रेंट है अभी आए यहाँ पर तो उसको मैंने स्टेट उसने कहा मुझे आप एक ना रेफरेंस लिख दें ताकि मेरा हो जाए मैंने लिख दिया उसका हो गया तो वो उसका वहाँ पर हो गया मेरे फेलियर्स भी बहुत हैं फैसल भाई लाइक मैं सबको अगर ये बताऊं मैं H1 वीजा एक दफा मैंने अप्लाई किया था जॉब हो गई थी ट्रंप आया तो सब कैंसिल हुआ इसके अलावा मैंने एक्सप्रेस एंट्री से पहले अप्लाई किया था वो रह गया था एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया था वहां पॉइंट्स पूरे नहीं हुए थे तो फेलियर्स भी काफी है मैंने कहा मैं ये भी बता दूं चलो सबको फेलियर्स होते हैं यार फेलियर्स देखो फेलियर्स लाइफ में है लाइफ में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखोगे दे आर फुल ऑफ ट्रायल्स ठीक है बिल्कुल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड सही अब देखो काफी देर हो गई तुम सो जाओ तुम थके हुए लग रहे हो यहां पे मैंने जब तुमने जो मैसेज किया मैंने कहा ये बंदा उठा हुआ है मैंने कहा तुम उठे हुए हो ठीक है मेरे पास शाम के 5 बज रहे आज मैं यहाँ से ट्रेवल करके अबू धाबी गया था और यहाँ पे अबू धाबी इट्स लाइक एन आइसोलेट पूरी एक कंट्री है आपको जाने के लिए PCR टेस्ट DPI टेस्ट होते हैं यहाँ पे वो करवा के आप जाते हैं आप अदरवाइज एंटर नहीं हो सकते वहाँ पे दूसरा मैं इन प्रोसेस हूँ 2 महीने से कि मैं अपनी जॉब को स्विच करूँ तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स के जो काम है फैसल भाई हमारे वाले तो फिर कहते हैं कोने में ले जाके लाओ पैसे दो कर दो यहाँ पे तो वो सुनते भी नहीं है बात भी नहीं करते इतना उनमें इतना इतना उनमें वो सख्ती है या एटीट्यूड है उनका तो वो एक बड़ी एक हालांकि हमारे उसमें हमारे वहाँ रिश्वत लेते हैं जो कि अलराशी उल मुर्तशी कलाम में फिन्नार और यहाँ जो लोग हैं वो उनमें तकबर ज्यादा हो गया और काम भी नहीं आता हाँ ये एक मसला है एक बहुत बड़ा इशू है लेकिन अगर अगर जैसे अगर कोई लेकिन कोई दूसरे पासपोर्ट पे आता है तो उसकी सारी बात सुनते हैं बिल्कुल exactly. हमारे सामने स्पेशल नंबर मिलते हैं उनको और वो लोग जाके अपने काम करवा रहे हैं मतलब कि ये अल्लाह ताला कयामत के दिन मुसलमानों को स्पेशल नंबर दे रहा होगा बाकी सब पीछे खड़े होंगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा ये हाँ तो अंदाजा करो और जो VIP वो होगा जिसको अल्लाह ताला अल्लाह उसके रसूल की शिफात मिलेगी राइट अल्लाह ताला जिसको जिसके ऊपर वो हो ठीक है तो ये अंदाजा करो कि वो बिजनेस क्लास में जा रहे होंगे ये सब इकोनॉमी क्लास में जाएंगे मुख्तलिफ हमारे मिस्र से सऊदीया से कतर बहरीन कुवैत मुख्तलिफ जगह से स्कॉलर्स आ रहे हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं सारे अरब शयूख हैं तो वो जो कोर्स है वो अरब अपनी इंग्लिश अपनी अरबी में पढ़ाएंगे ठीक है मगर वो 33 जबानों में उनके तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे तो अगर तुमने उर्दू में है तो उर्दू के लिए हमने 2 लोगों को रखा है एक मुफ्ती रदवान है और दूसरा जो है उसका नाम है मौलाना सिबगतुल्ला ठीक है जो कि पाकिस्तान में होते हैं तो वो उनके जो लेक्चर्स हैं उनको ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे लेकिन आपका जो वाइबा वगैरह होगा वो उनके साथ ही होगा अरब शयूख के साथ होगा तो अल्टीमेटली आपके पास ना 5 साल का कोर्स है वो उसमें आप जो है ना सिर्फ आलिम बनेंगे बल्कि उसके अलावा वही सारा करिकुलम पढ़ा रहे हैं कि जो मदीना और जामितुल अजहर में पढ़ाया जाता है मदीना यूनिवर्सिटी में जामितुल अजहर हाँ मगर वो आपकी अपनी फ्लेक्सीबिलिटी के ऊपर है आप अपने आराम से पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें आपको जो मसर की अरब है मिसर की ठीक है ना वो पूरी आपको अरबी सिखाई जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से इसके अलावा जो बाकी जो तमाम वो हैं वो भी सिखाई जाएंगी ठीक है उसका एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का वो है मैं देखता हूँ मेरे पास शायद यहाँ रखा हुआ हो ठीक है तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है जब वो स्टार्ट होगा और जब वो आएगा तो फिर मैं तुमको बताऊंगा लेकिन उसके अंदर साथ साथ हमने जो मैंने चीज़ डाली है उसमें
वो ये कि मैं ऐसे स्कॉलर्स नहीं बनाना चाहता कि जो जॉब तलाश करते रहे उनको जॉब ही नहीं मिले, ठीक है। मैं ऐसे स्कॉलर्स बनाना चाहता हूँ कि वो ना सिर्फ स्कॉलर हों बल्कि वो जो है ना माशरे में जाकर वो काम भी कर सकें, राइट, और बहुत अच्छा काम कर सके। तो हम उनको सिस ऑप्स का ट्रैक, कॉर्ड्स का ट्रैक, डेटा साइंस का ट्रैक, ब्लॉकचेन का तमाम चीज़ें हम उनको पढ़ा रहे हैं ताकि जब वो निकलें तो उनको तमाम चीज़ें उसमें आती हूँ, राइट। तो वो चीज़ जब, हाँ, जब वो चीज़ पूरी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं तुमको, तुम लोगों को दिखा दूंगा। अगर अभी देखनी है तो एक मिनट सब्र करो। उसकी फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब कि उसमें ये है कि वट एवर द केस इज, उसका जितना भी रेवेन्यू है स्कॉलर्स को जा रहा है, ठीक है। तुमने करना है क्या वो? फैसल भाई, मैं इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड दूं। जब से मैं बैंक में था तो मैं काफी ज्यादा उठना बैठना मेरा ऐसे लोगों में हो गया था, दीनी लोगों में। और यहाँ आके भी मैं, जो यहाँ पे एक जगह है मुसफ़ा, एक अबू धाबी में होती थी, फिर दुबई में भी होती थी, तो मैं हर जुमेरात वहाँ जाता था, जुम्मे जाता था। लेकिन अब मैं वो उस ट्रैक से थोड़ा हट गया, तो मैं वापस आना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ, अपने आप को उसके साथ आना चाहता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा ही देख रहा था कि मैं अपनी अपने अपने जो ऑफिस के बाद का टाइम है उसको बैठ के अपनी स्टडीज के साथ ही कुछ ऐसा पढ़ लूं कि मैं अपने आप को रिफ्रेश करता रहूं इन चीजों में। नहीं, ये तो मैं बिल्कुल, ये मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये अरबिक लैंग्वेज है, इसके अंदर कुरान एंड उलूम अल कुरान है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद ये 4 साल का प्रोग्राम है पूरा। हदीस है, ठीक है, फित्र असूल है, फिक है, इस्लामिक हिस्ट्री है पूरी, और सीरा है, दावा है, अकीदा, ये एक पूरा, ये इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। जो मुझे लास्ट टाइम जो मुझे अपडेट मिला था, यूसुफ अल करदाबी और दूसरे जो बड़े स्कॉलर्स हैं वो कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हम लोग कॉर्ड्स, सिस ऑप्स और ये ट्रैक्स भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रैक्स उसमें चलेंगे। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन कि जब हमारे स्कॉलर्स निकले हैं, मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है ना, यूथ जो जवान लोग हैं, ठीक है, वो उनके पास एक्सेसिबिलिटी, तो ये 33 जमानों में ये आएगा। तो आप ना, आपने अगर फ्रेंच में पढ़ना है इसको, या अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है, या उर्दू में पढ़ना है, या अरबी में तो अरबी में भी है, या इंडोनेशियन में, या मलेशियन, किसी जबान में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, जज़ाकअल्लाह खैर, मुझे निकलना है इंशाल्लाह, फिर बातचीत होगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।